हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई एम रितु चौधरी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट पर। देखिए बच्चों, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हमारी फर्स्ट बुक है 12th क्लास की, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर जो हमारी सेकेंड यूनिट है कंपनीज अकाउंट्स, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा, इसकी शुरुआत आज हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, शेयर से। शेयर्स होता क्या है, इसका नेचर क्या होता है, शेयर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग नेचर एंड टाइप्स। किसके बेटा, शेयर्स के। ठीक है, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा शेयर्स क्या होते हैं। आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो कॉमर्स में, वहाँ पे शेयर्स के बारे में मतलब हल्की फुल्की नॉलेज बच्चों को हो जाती है कि शेयर्स होते क्या हैं। अब हम 12th में बेटा हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं शेयर से रिलेटेड, उसके एंट्रीज करते हैं, फॉर फीचर होता है, कंपनी इशू करती है शेयर्स को। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि शेयर होते क्या हैं। तो बेटा, शेयर्स क्या होते हैं, जैसे कंपनी होती है, कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक के अंदर अपने शेयर्स इशू करती है। तो शेयर्स इशू करती है, तो लेकिन वो शेयर होता क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि शेयर होता क्या है। तो देखिए बेटा, शेयर्स टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, यानी कि कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल होती है वो विभाजित कर दी जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो हमारी कैपिटल क्या कर दी जाती है बेटा, बांट दी जाती है। ईच यूनिट इज़ कॉल्ड शेयर, जो वो छोटी से छोटी जो हमारी यूनिट होगी उस यूनिट को क्या बोलेंगे, हम शेयर बोलेंगे। अब देखिए, किसी कंपनी का शेयर 10 रुपये का होता है, किसी का 100 रुपये का होता है, किसी का 1000 रुपये का होता है। तो मान ले ए कंपनी है, ए कंपनी ए, उसका जो शेयर है बेटा उसका वैल्यू है 10 रुपीज़। कंपनी बी क्या है, कंपनी बी उसका शेयर मान लीजिए, उसका शेयर है 100 रुपीज़ का ईच का। तो यानी कि उसका शेयर क्या कहलाएगा बेटा, 10 रुपये का शेयर, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है 10 रुपये। तो उसका शेयर क्या कहलाएगा, उसका शेयर होगा ₹10 का ईच, और कंपनी बी का कितने का होगा बेटा, 100 का, यानी कि स्मॉल यूनिट है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹10 लाख, एक कंपनी की कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए है। ठीक है, इनटू 1 लाख यूनिट्स ऑफ डिवाइड, यानी कि डिवाइडेड इनटू 1 लाख यूनिट्स, उसको किस में डिवाइड किया गया बेटा, 1 लाख यूनिट्स के अंडर डिवाइड किया गया है, और रुपीज़ कितने का ईच है, 10 रुपीज़ का ईच है। यानी कि देखिए, हमारी यूनिट्स कितनी है बेटा, 1 लाख, 1 लाख की यूनिट का प्राइस कितना है, ₹10 ईच। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 10 लाख कैपिटल हो गई। तो ईच यूनिट ऑफ ₹10 विल बी कॉल्ड अ शेयर, यानी कि जो ₹10 ईच है वो हमारा क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा, कितने रुपीज़ का, ₹10 ईच का। आई बात समझ में। तो देखिए, हमारा शेयर्स होता है वो हर कंपनी का वेरी करता है बेटा, किसी का 10 रुपीज़ का, किसी का 100 का, किसी का 350 का, किसी का 450 का, ये हर कंपनीज का अलग अलग होता है। तो आपको मीनिंग समझ में आया कि शेयर क्या होता है बेटा, शेयर वो होता है जो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसका जो स्मॉल पार्ट होता है, उस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। आया आपको समझ में। तो बेटा देखिए, हमने इसके मीनिंग को डिस्कस कर लिया है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचर, कि जो हमारे शेयर होते हैं उसका नेचर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो कहता है कि जो हमारे शेयर होते हैं वो बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि उसकी ओनरशिप चेंज हो सकती है। जैसे कि एक शेयर होल्डर है ए, शेयर होल्डर ए, तो ए क्या कर सकता है बेटा, अपने जो शेयर्स है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी अदर
पर्सन को, जैसे उसने ट्रांसफ़र कर दिए बी को, अपने शेयर्स बी को ट्रांसफ़र कर दिए, अब उन शेयर्स का मालिक कौन हो जाएगा? बी। तो हम क्या, जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या कहता है कि जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफ़रेबल होते हैं, उनके ओनरशिप को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो हमारा जो गुड्स सेल्स का जो हमारा एक्ट है 1930, वो क्या कहता है कि जो हमारा शेयर होता है वो क्या होता है बेटा, एक गुड्स कहलाती है, ट्रीटीज एज अ गुड्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं। खरीद या बेचने से क्या मतलब आ जाता है बेटा, कि वो ट्रांसफरेबल होता है, कि उसकी ओनरशिप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शेयर्स को हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आया आपको नेचर समझ में, मीनिंग हमने कर लिया है, नेचर हमने कर लिया है, अब हम देखते हैं कि शेयर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं शेयर्स के टाइप्स की, कि शेयर्स के टाइप क्या होते हैं। तो शेयर्स के मेनली टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, नंबर एक प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स नाम से पता चलता है, प्रेफरेंस, इनको किसी चीज़ की प्रेफरेंस दी जाती है। तो इनको क्या प्रेफरेंस दी जाती है बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स को हम, इनको मेनली दीज टू प्रेफरेंस दी जाती है। क्या प्रेफरेंस होती है वो देखिए बेटा, दे हैव अ राइट टू रिसीव अ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है बेटा, फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। Before any dividend is paid on the equity shares, यानी कि जो preference shares होते हैं उनको fixed rate पर dividend दिया जाता है, और जो हमारे equity shares हैं उनसे पहले दिया जाता है। Equity shares को dividend बाद में दिया जाता है अगर कुछ बचता है तो, लेकिन इक्विटी शेयर्स जो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बेटा क्या किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है शेयर डिविडेंड के लिए, कि उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। और इसका सेकंड है बेटा, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी हम बंद करती हैं, दे हैव अ राइट टू द रिटर्न ऑफ द कैपिटल बिफोर दैट ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इनको बेटा दो राइट है, आप याद रखना हमेशा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितनी राइट है, टू राइट्स है। फर्स्ट राइट हमारा क्या है, डिविडेंड का, कि इनको डिविडेंड पहले दिया जाता है, और जब कंपनी वाउंड अप होगी तो कैपिटल भी सबसे पहले रिटर्न की जाएगी, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या होता है बेटा, देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि इक्विटी शेयर्स होल्डर की जो हमारा डिविडेंड है उसकी फिक्स्ड रेट नहीं होती है। कई बार देखिए, कंपनी में लॉस हो जाता है तो इक्विटी शेयर्स होल्डर को हमें कोई डिविडेंड पे नहीं करेंगे, अगर प्रॉफिट अच्छा होता है तो प्रॉफिट की रेट ज़्यादा भी हो सकती है। तो इनकी जो प्रॉफिट की रेट होती है बेटा वो फिक्स नहीं होती, वो फ्लक्चुएट होती रहती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स। अगर कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट होंगे तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगे तो कम डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो डिविडेंड दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज रिटर्न ओनली वेन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज रिटर्न इन फुल। इनको कैपिटल रिटर्न तब की जाती है वाउंड अप के टाइम, यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल फुल्ली पेड करने के बाद अगर अमाउंट बचती है कंपनी के पास, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज अगर है ही नहीं तो कहाँ से देंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बेटा दो राइट दिए जाते हैं, कि वो डिविडेंड पहले पाते हैं और वाउंड अप के टाइम पे अपनी कैपिटल पहले पाते हैं। लेकिन देखो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को टू और राइट्स होते हैं, क्या, वोटिंग राइट्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर वोट कर सकता है और कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता है, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है, मान लीजिए किसी कारणवश वो पेड नहीं किया हमने, ठीक है, इस ईयर में हमने वो पे नहीं किया, तो वो बेटा एक्युमुलेट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में हमें उसे पहले वाला डिविडेंड और जो अब हमारा डिविडेंड बनता है वो दोनों पे करने पड़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड हो जाता है वो ऐड हो जाता है, एक्युमुलेट होता चला जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि फिक्स्ड रेट होती नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड पे कर देंगे, अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक था मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ द शेयर्स। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको कैसे लगी, आप नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे दे सकते हैं कमेंट करके कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।